मैं रोहित और ये हमारा ऑफिशियल यूट्यूब का पेज है। आज बहुत दिनों के बाद दोस्तों, आज जो हम बात करने वाले हैं कि किसी भी सेट में, जैसे कि मैं आपको पहले भी वीडियो में बातचीत किया हूँ कि कस्टम रोम कैसे डालना है, तो यहाँ तो मैं कस्टम रोम के बारे में बात भी नहीं करूँगा। बहुत ऐसे सेट है जिसमें क्या होता है, तो एसडी कार्ड के थ्रू ऑक्टा फ्लैशिंग होता है, मतलब कि मेमोरी कार्ड के थ्रू कैसे सेट को फ्लैश करना है, ठीक है। तो आज हमारे पास एक, ये हमारे पास ओप्पो का सेट है जिसका मॉडल नंबर है A37F, ठीक है। उसमें क्या करना है, तो हमें रूट करना है, और रूट जो सपोर्ट करता है वो हर एक वर्जन या हर एक प्रोग्राम में रूट सपोर्ट नहीं करता है। तो अभी हम इसको क्या करेंगे, तो बाय एसडी कार्ड फ्लैशिंग करेंगे। देखिए, आप इसे, ये क्वालकॉम बेस का फोन है, आप इसे क्यूफिल से भी फ्लैश कर सकते थे, या आप जो इसका MSW सॉफ्टवेयर आता है आप उससे भी फ्लैश कर सकते थे, बट इसमें जो रूट का परमिशन जिस प्रोग्राम पे दे रहे हैं वो प्रोग्राम जो है वो राइट होगा आपका मेमोरी कार्ड के थ्रू, यानी ऑक्टा अपडेट से। तो अभी हम बात करेंगे कि कैसे हमें ऑक्टा अपडेट फाइल डालना है मेमोरी कार्ड के थ्रू। तो सबसे पहले दोस्तों, इधर आइए रवि जी आप। यहाँ पे हमने इसका ऑक्टा अपडेट फाइल डाउनलोड कर लिया, OTA, या तो ऑक्टा अपडेट होगा। अगर MI की बात करें तो MI में अगर डेवलपर रोम दे रहा है, क्या दे रहा है, डेवलपर रोम, या आपका अगर SD कार्ड के थ्रू अपडेट फाइल है, लिखा आ रहा है अपडेट ऑल, तो ये सब आपको यानी सूचित करता है कि ये फ्लैशिंग जो है मेमोरी कार्ड के थ्रू फ्लैश होगा। तो ये सबसे पहले हमने ऑक्टा अपडेट, ये 2016-10-14, ये इसका जो है मेड का डेट है कि ये कब बना है, ठीक है। तो ये फाइल हमने डाउनलोड किया, डाउनलोड करने के बाद हमने इसको क्या किया, तो सेंड टू मेमोरी कार्ड, मेमोरी कार्ड के अंदर सेंड कर दिया। मेमोरी कार्ड में सेंड करने के बाद अब दोस्तों करना क्या है, तो ये मेमोरी कार्ड को हमने निकाल लिया। निकालने के बाद ये दोस्तों हमने मेमोरी कार्ड को क्या किया, तो सेट में लगा दिया, ठीक है, ठीक है। लगाने के बाद क्या किया, तो फोन को हमने ऑन किया, पहले शट डाउन करने के बाद वॉल्यूम प्लस माइनस और पावर, या वॉल्यूम प्लस पावर, आपको रिकवरी मोड ओपन करना है। अब बहुत सारे सेट में क्या आता है, तो वॉल्यूम प्लस पावर, वॉल्यूम माइनस पावर, प्लस माइनस पावर, ऐसे ऑप्शन आता है, तो वॉल्यूम प्लस और पावर दबाया, देखते हैं। अब जैसे ओप्पो आया तो हमने पावर को रिलैक्स कर दिया, वॉल्यूम अप को जो है कंटिन्यू रखा, ये ऑन हो गया, ठीक है। अब हमें ट्राई करना है वॉल्यूम प्लस माइनस पावर, ठीक है। बाकी दोस्तों, अगर आप भी बेहतर काम करना चाह रहे हैं तो आप हमारे इंस्टीट्यूट पे विजिट कीजिए, या आप हमसे एक बार बात कीजिए। अगर आप मास्टर मेथड सीखना चाहते हैं, चाहे वो कोई भी फ़ोन हो, ओप्पो, वीवो, MI, कार्बन, माइक्रोमैक्स या सैमसंग, कोई भी सेट हो। अब यहाँ पे इंग्लिश के बाद ये देख रहे हैं, इंस्टॉल फ्रॉम स्टोरेज डिवाइस, अब यहाँ से फ्रॉम SD कार्ड के अंदर दोस्तों, ये देखिए हमने जो अभी डाउनलोड किया वो यही किया था, A37F, ठीक है, EX11 ऑक्टा, तो इसको हमने सेलेक्ट किया, अब ओके कर दिया, ये हमारा इंस्टॉलिंग हो रहा है, ये हो रहा है, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। बाकी दोस्तों देखिए, काम बहुत भारी भी नहीं है और बहुत हल्का भी नहीं है, सही प्रोसेस होना चाहिए, सही तरीका होना चाहिए। हमारे पास बहुत स्टेट से बंदे आ रहे हैं काम करने के लिए या सीखने के लिए, तो अगर आपके पास पुख्ता नॉलेज नहीं है तो आप एक बार हमसे बात कीजिए या हमसे मिलिए, हम आपको बेहतर जानकारी देंगे और आप बेहतर काम कर पाएंगे, आई होप सो। बाकी दोस्तों, हमारा इंस्टीट्यूट का जो नंबर है 9708441666, 9708421-3-6, ये इंस्टॉलिंग हो रहा है, ठीक है। ये इंस्टॉल होने के बाद पहले तो मैं अभी इसका वीडियो बनाया हूँ, और फिर मैं आपको इसका वीडियो बना के दूंगा कि इसको रूट कैसे करना है, एंड और भी बहुत कुछ, अभी वीडियो बहुत आएंगे। हाँ, थोड़ा बिजी हमारा शेड्यूल है,
क्योंकि हमें क्लास देना रहता है, बहुत सारे बच्चे आश्रित रहते हैं हमारे पे, तो उस सिचुएशन में क्या होता है, तो वीडियो बनाना थोड़ा सा मुश्किल लगता रहता है, बट कोई नहीं, हम टाइम निकाल के वीडियो बना के देंगे आप लोगों के लिए। बाकी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डिफरेंट न्यू 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 वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, डिफरेंट टाइप्स ऑफ। देखिए पहले भी बोला हूँ मैं कि हमारा इंस्टीट्यूट कोई मोबाइल सॉफ्टवेयर का इंस्टीट्यूट नहीं है, यहाँ पे मोबाइल लैपटॉप कंप्यूटर एलईडी एलसीडी हर एक सेक्टर का मास्टर लेवल चीफ लेवल का कोर्सेज कराए जाते हैं। तो आप अगर आने में असमर्थ है और लैपटॉप या एलईडी या डिफरेंट सेक्टर में बेहतर काम करना चाह रहे हैं, ये हमारा इंस्टॉल हो गया, ये देखिए इंस्टॉलिंग फेल हो गया, ये हमारा वर्जन एरर के कारण यानी लो वर्जन के कारण ये एरर दिया है। अब हमें क्या करना है, तो दोबारा इसका लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड करना है और उससे हमें दोबारा फ्लैश करना है, ठीक है। बाकी इसका मैं न्यू वर्जन अभी डाउनलोड करता हूँ और फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे होता है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, हमने ओप्पो का जो है ऑफिशियल वेबसाइट ओपन किया और यहाँ पे इसको हमने ये A37 इसको हमने डाउनलोड किया, ये हमारा डाउनलोड हो रहा है, ठीक है। अभी जैसे ही डाउनलोड होता है तो मैं दिखा देता हूँ आपको, ठीक है, रुक रुक। ये दोस्तों, ये हमने लेटेस्ट डेट का यानी 2017 10 8 तारीख इसका मैंने लेटेस्ट जो है फाइल डाउनलोड किया। फाइल डाउनलोड करने के बाद दोबारा हमने इसे एसडी कार्ड में पेस्ट कर दिया और पेस्ट करने के बाद फिर इस एसडी कार्ड को हमने लगाया सेट में। लगाने के बाद ये रिकवरी मोड हमने ओपन कर ही रखा था। अब यहाँ से इंग्लिश इंस्टॉल एसडी कार्ड, ये एसडी कार्ड नहीं आ रहा है तो अभी हमें दोबारा क्या करना है, एक बार रिबूट करना है, यहाँ से रिबूट और वॉल्यूम प्लस माइनस दबाए रखना है। वॉल्यूम प्लस माइनस और पावर, ये तीनों बटन को दबाया, दोबारा हमारा सेट रिकवरी मोड पे आ गया। अब यहाँ से इंग्लिश इंस्टॉल एसडी कार्ड, अब एसडी कार्ड के अंदर जो हमने अभी लेटेस्ट फाइल लिया था ये देखिए A37F, ये ऑक्टा 28 ऑल 27 2017 10 और 8, इसको हम इंस्टॉल किए, ये इंस्टॉल हो रहा है, जस्ट वेट, ये इंस्टॉल हो रहा है दोस्तों, बस वेट करना है, एक जस्ट वेट। ये देखिए, मैंने पहले आपको एक एरर वाला वीडियो दिखाया कि अगर आप लो ग्रेड से करते हैं तो दिक्कत होता है, इसीलिए जब भी आप ऑक्टा फ्लैश करें तो वहां अपग्रेड वर्जन यूज करें, अपग्रेड वर्जन में एरर देने का कोई चांस नहीं बनता है, ठीक है। ये हमारा हो रहा है, बस इंस्टॉलिंग कंप्लीट लिख के आएगा और फिर हमारा सेट रिबूट हो जाएगा, जस्ट वेट अ मोमेंट। तो इंस्टॉलिंग सक्सेसफुली, अब इसको क्या किया हमने, रिबूट कर दिया, ये हमारा सेट जो है ऑक्टा से फ्लैशिंग हो गया, इसको बोलते हैं ऑक्टा फ्लैशिंग, या इसे आप डेवलपर फ्लैशिंग भी बोल सकते हो या मेमोरी कार्ड के थ्रू भी फ्लैशिंग बोल सकते हो। ये फ्लैशिंग तभी पॉसिबल होगा जब हमारा सेट रिकवरी मोड पे आएगा, अगर सेट रिकवरी मोड पे नहीं आ रहा है तो ये फ्लैशिंग नहीं हो पाएगा, समझे। चलिए बाकी दोस्तों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो, नमस्कार, मिलेंगे अगले वीडियो में एक और टॉपिक के साथ। इसका मैं अभी रूट का भी वीडियो बनाऊंगा कि रूट कैसे करना है और भी बहुत कुछ, ठीक है। बाकी वीडियो को अगर आपने देखा, आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, एंड दिक्कत अगर हो रहा है तो आप कमेंट में दिक्कत लिखिए, हम उसको रीड करेंगे और हमारा अगला वीडियो उसी पे बनेगा, ठीक है। बाकी थैंक यू सो मच।